स्वागत है आपका फिर से एक ब्लॉग में। मेरा नाम है नितेश गरला, आप देख रहे हैं नितेश गरला ब्लॉग। तो आज 27 तारीख, अभी मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया है और ये ब्लॉग आप 28 तारीख को देख रहे होंगे। तो आज मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ दो ब्लॉग शूट कर पाऊँ आज। तो आज जो टाइटल आपने देखा और थंबनेल में देखा हुआ है, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उत्तराखंड की क्यों देवभूमि कहा जाता है या माना जाता है। तो उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाता हूँ कि उत्तराखंड को किस तरह से देवभूमि कहा जाता था। आपको एक छोटी सी झलक देवी देवताओं की गाँव में या पहाड़ों में क्या होता कि जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि कुल देवी या कुल देवता होते हैं, तो पहाड़ों में ऐसे कुछ कुल देवता होते हैं जो लोगों के होते हैं परिवारों में, क्योंकि पुरखों से चले आ रहे होते हैं। तो लोग उनको जब भी लोगों को टाइम मिलता है या किसी को किसी का काम अटका हुआ है या सही चल रहा है, किसी का काम नहीं सही चलता है, परिवार में सुख समृद्धि नहीं है या किसी के परिवार में सुख समृद्धि है, तो कोई अपनी खुशी में खुश करने के लिए ये चीज़ करता है, कोई अपने दुख में कि वो जो भगवान है कुल देवता है वो भी प्रसन्न हो जाए, उसके लिए ये चीज़ करते हैं। क्या चीज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं आपको पहले दिखाता हूँ फिर उसके बारे में बात करते हैं। जो ये चीज़ हो रही है इसको बोलते हैं गढ़वाले में बोलते हैं देवता नचाना, महाराज जी कौथिक लगता है। कौथिक आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस नाम है कौथिक, जिस सारे लोग ये जगह पर इकट्ठे होते हैं और इस चीज़ का को देखते हैं उसको कौथिक बोलते हैं। अभी हम वहीं पर जा रहे हैं, सारे गाँव के लोग जाते हैं, तो यही गांव में एकता होती है कि एक आदमी का काम हो रहा था, सारे लोग वहां पे जाते हैं इकट्ठे होने के लिए। अभी दिखाते हैं आपको, तो अभी लॉलीपॉप खाते खाते आपको बताते हैं कि जो आपने पहले वाली क्लिप देखी हो, जो आपने इससे पहले क्लिप देखी जो गढ़वाली में बोलते हैं देवता नचाना, कुल देवता होते हैं उनको नचाते हैं, या कभी हम पे संकट आता है, दुख आता है, या तब नचाते हैं और ज़्यादा दुख चल रहा है तो अप्रसन्न होते हैं देवता, या सब कुछ सबका काम सही चल रहा होता है या फिर नचवाते हैं तो अपने लोग अपनी इच्छा है क्यों नचवा रहे हैं। लेकिन मैंने जो आपको दिखाया है, अगर आपको और ऐसी थोड़ा और लंबी वीडियो देखनी है, मैंने तो अभी छोटी वीडियो बनाई, जय श्री राम। अगर और आपको लंबी वीडियो देखनी है तो मैं आपको जरूर बनाऊंगा। तो यही रीति रिवाज है हमारे गढ़वाल के और हमारे उत्तराखंड के, जैसा हर जगह पे होता है, और यही सीजन में होता है कि तू नहीं आ रहा,
स्टेट है। और तो यही सीजन रहता है कि जो अभी मैंने आपको बताया कि सारे लोग घर ही में रहते हैं, तो सब लोगों का काम भी चलता रहता है। और अभी सारे गांव के लोग फ्री हैं तो कहीं नहीं जाएंगे, सब लोग वहीं पे देखने जाएंगे किस तरह से जो देवी देवता आते हैं और नाचते हैं, क्या बताते हैं वो, जो उनके घर की स्थिति होगी, मतलब सुख दुख के बारे में बताते हैं, क्या आपने गलत काम किया, क्या सही काम किया। ये कोई अंधविश्वास वाली बात है, जो देवताओं का विश्वास करते हैं उनके लिए वो सच्ची बात है, और जो नहीं विश्वास करते उनके लिए अंधविश्वास ही होगा कि इस तरह से कुछ नहीं होता। लेकिन आप जब उत्तराखंड में आओगे, यहाँ के रीति रिवाज देखोगे, इन्हीं कारणों से उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें ही उत्तराखंड को एक देवभूमि बनाती हैं। तो आपने पिक्चर देखा कि मैंने अभी आपको पूरा दिखाया नहीं, वो बस अभी हर चीज़ का एक मास्टर होता है, वो किसी चीज़ का हो, अगर आपको मकान बनाना है तो उसके लिए भी एक इंजीनियर लगेगा, अगर आपको गाने सुनने तो उसके लिए डीजे चलेगा, मतलब अच्छा गाना सुनना तो आपको डांस करना तो उसके लिए डीजे लगेगा। तो इस चीज़ का भी एक मास्टर होता है, उसको गढ़वाली में घड़ेला बोलते हैं। जो आप वो पीछे देख रहे हो थाली की आवाज़ सुनाई दे रही थी आपको, एक डमरू बजा रहे थे साथ में, तो उस चीज़ के लिए भी स्पेशल मास्टर होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। वो आपस में कहीं स्कूल नहीं होती है, लेकिन वो घर ही में सीख लेते हैं लोग, मतलब जो लोग उस काम को करते होंगे, नेचर, हाँ नेचुरल है वो चीज़, तो उस चीज़ का भी अलग मास्टर होता है, उनकी अलग विद्या होती है, जो भी वो मंत्र बोलते हैं फिर जाके देवी देवता प्रकट होते हैं और फिर नाचते हैं। आपने देखा अभी, आपने नाचने वाले नहीं देखा, आपने सिर्फ नीचे ही देखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर। अभी अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें कि आप लोग देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो फालतू में क्यों वीडियो डालनी है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो, अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट जरूर करें, मैं जरूर दूसरी वीडियो में जरूर डालूंगा, और गिफ्ट डालने की कोशिश करूंगा मैं कि और क्या क्या चीज़ उसमें होती है। बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है कि जब देवी देवता आती हैं तो जो गर्म लोहाई का जो कुछ चिमटा होता है उसको गर्म भट्टी में डाल देते हैं, जहाँ पे आग जली हुई एक साइड पे आग जली होती है और उसमें डाल देते हैं, फिर जब वो लाल होता है तो उसको बाहर निकाल के जीभ से चाटते हैं। तो ये देवी देवता नहीं तो और क्या है, कभी कोई कुछ लोग बोलेंगे ये अंधविश्वास है, लेकिन अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी किसी गर्म चिमटे को नहीं चाट सकता है, ये आप लोगों को ही पता है। और लोहे के जो चाबुक होते हैं, आपने चाबुक होती है जो जंजीरें होती हैं उसको अपने पीठ पे मारते हैं, नंगी पीठ पे, लेकिन उनको कुछ भी दर्द नहीं होता है। तो ये भी एक देवी देवताओं की शक्ति है। अगर आपको पसंद आया तो मैं जरूर दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, आप कमेंट जरूर करना। तो अभी हम बस रोड़ी में आए हैं, तो जा रहे हैं सामने में क्रिकेट खेलना, आज हम ऊपर वाली ग्राउंड में नहीं जा रहे क्योंकि हमको रोड में भी आना था। तो यही रोड है, सामने बगीचा में जा रहे हैं, वहाँ के लोग भी क्रिकेट खेलने आते हैं, और रोड से थोड़ा ही नीचे है तो वहीं पे जा रहे हैं क्रिकेट खेलने, तो आपको भी दिखाते हैं वहीं से। तो रोड से थोड़ा नीचे पे ग्राउंड है, वहीं पे हमारा क्रिकेट मैच भी हो जाएगा और हम रोड में भी घूम लेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पे अगर मैच शुरू हुए होंगे तो। ऐसे ही लोकल खेलते हैं, जैसे हम घर में घरेलू क्रिकेट खेलते हैं वैसे ऐसे ही खेलते हैं। तो अभी नीचे ग्राउंड में तो हम पहुँच गए ऊपर रोड से, लेकिन अभी यहाँ पे परिंदा ही नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ प्लेयर तो क्या, अभी परिंदा भी यहाँ पे नहीं दिख रहा, अभी हम दो ही लोग हैं लेकिन प्लेयर कोई नहीं है। थोड़ा वेट करते हैं, पीछे से आपको सनलाइट दिख रही होगी इसलिए मैं नहीं दिख रहा हूँ, मैं थोड़ा इधर से आपको बेटर दिखूँगा। थोड़ा वेट करते हैं अभी प्लेयर आते हैं कि नहीं आते हैं, तो हम भी अपना हिसाब देखते हैं उसके हिसाब से क्या करना है, हमने भी चलना है या रुकना है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, फोन घुमाते हैं थोड़ा दोस्तों को। तो भाई प्लेयर यहाँ पे आ गए, दो प्लेयर और आ गए हैं, ये बैठ रहा छिंद पाओ, अगर आप फर्स्ट लुक देखोगे इसका, एक लॉलीपॉप खत्म कर दूसरी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप इसका फर्स्ट लुक देखोगे तो आपको ये ओरिजिनल बैट लगेगा। आप देख लीजिए पहले घरेलू बैट, लेकिन ये हैंडमेड बैट है और ये बनाया गया है ज्योति प्रकाश द्वारा, संपर्क करें इनके YouTube चैनल से, आपको मिल जाएंगे बैट, आप इनको YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको बैट चाहिए तो, ऑर्डर पे मिलते हैं वो बैट, चलो रे काफी अच्छा बैट बनाया गया है। तो अभी हम चार ही लोग आए, 1 2 3 चलो दो लोग, क्या कर दो लोग, चार बैट और मैं पल्लो, यहाँ मैं पल्लो मेरा फर्स्ट नंबर है क्योंकि मेरे हाथ में बैट है, यहाँ के अलग रूल है, बगीचा के अलग रूल है, तो अपना कम रूल लागू होता है, तो अपना गोप्रो थोड़ा यहाँ पर रखते हैं और फोन भी अलग रखते हैं, जैकेट निकालते हैं। ओ
तो अभी चलते हैं घर की तरफ क्योंकि इनकी बैटिंग आई ही नहीं आज। हाँ तो इसने बैटिंग आने दी, दो बैटिंग आई उसके बाद आई नहीं सुखा डाला मैंने इनको सुधी वाला लोग नहीं बिल्कुल सुखा डाला आज सुखा डाला तुम्हारी बैटिंग नहीं आई। फिर चलते हैं घर, आपको दिखाते हैं काम क्या है। मेरा काम नहीं है, इस टोपी वाले काम है। काम क्या आपको दिखाते हैं। तो अभी रोड में हम क्रिकेट को जल्दी ख़त्म करके इसलिए आए हैं क्योंकि इसकी चल रही है यहाँ पे, इसकी ट्रेनिंग चल रही है अभी। ये ड्राइविंग सीख रहा है, बाइक तो आती है इसको चलाने, लेकिन अभी गाड़ी सीख रहा है। और एक हम है, हमको कुछ नहीं आता चला रहा था बाइक ना गाड़ी। एक बार एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद हमने दोबारा कभी बाइक पकड़ी नहीं, लेकिन टाइम आ रहा है धीरे धीरे, तो इसका टाइम आ गया है। बाइक तो चला लेता लेकिन अब ये गाड़ी चलाएगा, अभी सीख रहा है। आ गया है इसका टाइम आ गया है अब गाड़ी चलाने का। हेलो आज बोल कम पड़ेगा तो आज दूसरा दिन था इसका, लेकिन काफी अच्छी योग है हमारा वाला लग रहा है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वैसे। आगे से गाड़ी मिली कुछ चलाने के एक डेढ़ हफ्ता। तो अभी क्रिकेट खेल के भी आ गए और हम गाड़ी की ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग भी हो गई है। तो अभी चलते हैं मंदिर के साइड में, वहीं वीडियो एंड करेंगे वहीं से। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि अंधेरा भी थोड़ा हो ही गया है। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग देखने के लिए आपको मिलते हैं किसी पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग में। और आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं और क्लिप डालो वो वाली पहाड़ की, जो पहाड़ी परंपरा जो कि जिसमें वो देवता नाच रहे थे, वो वाली क्लिप डालो या ना डालो।